हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का उत्पम, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो हम खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, इवनिंग में स्नैक्स के लिए भी आप खा सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए भी खा सकते हैं, और जैसे जिम वगैरह करते हो आप उसके बाद भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि बिल्कुल वेजिटेबल्स वगैरह इसमें डली होती है। तो अभी हम चलते हैं किचन में और अभी हम मैं सामान वगैरह कट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पे सारे के सारा सामान कट करके रेडी कर रखा है। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे एक कटोरी बड़े वाला सूजी का और हाफ कटोरी दही और गाजर लिए। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, टमाटर लिया है कटा हुआ एक, और 5 से 6 हरी मिर्चे और प्याज लिए कटा हुआ और शिमला मिर्च। ये तो है हमारे उत्पम का सामान। तो यहाँ पे इसके साथ हम बनाएंगे चटनी, जो कि अब हम नए तरीके की चटनी बनाएंगे। एक इसके लिए हमने लिए यहाँ पे प्याज टमाटर कट करके, 2 टमाटर लिए मैंने बड़े वाले और एक बड़ा प्याज लिया जिसको मैंने कट करके रख दिया। और यहाँ पे हमने लिए छोले की दाल और इसका तड़का लगाने के लिए हमने लिया साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डलेगा और हरी मिर्ची भी लिया है। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहले हम 10 मिनट के लिए ये, तो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं बैटर, जो कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी, एक बाउल मैंने डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें दही, फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। दही आप अच्छे से निकाल देना। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, जितना हमने सूजी लिया था उसका हाफ आप ले लेना इसमें पानी और उतना ही हाफ उसका लेना है हमें दही। तो अभी हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया इसमें और सूजी ना पानी को पी लेती है, सोख लेती है पानी। इसमें नमक डाल कर, अभी हम इसमें नमक डाल के, आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको 10 मिनट के लिए मिक्स करके रख रही हूँ। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको साइड में रख देंगे, और अगर आपको तब भी उसके बाद भी, अगर 10 मिनट रखने के बाद भी अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। 2 तरीके के उत्पम बनाऊंगी मैं। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस, जब तक हमने सूजी को यहाँ पे 10 मिनट के लिए रखा है, तब तक हम अपनी बना रही है चटनी। चटनी के लिए लाइटर नहीं मिल रहा, ये रहा। चटनी बनाने के लिए पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ही डालना, ज्यादा नहीं डालना। अभी हम डालेंगे इसमें छोले की दाल, जो कि मैंने थोड़ी सी ले रखी है, और अभी हम इसको कच्चा पक्का भून लेंगे। तो यहाँ पे दाल हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर भी, और ये जो हरी मिर्च हमने कट करी थी ये सब मिक्स, और इनको हम कच्चा पक्का भून लेंगे। बिल्कुल पकाना नहीं है इन्हें। और हम इसमें डालेंगे, मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन अदरक है तो आप वो भी कट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है। हम इसमें डाल रहे हैं इमली, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ली है, और ये बिना घी तक की इमली है, क्योंकि इससे ना खट्टापन आ जाएगा। तो अभी हम इसे थोड़ा सा पका रहे हैं। तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए आप इसे पका सकते हैं, इससे ज्यादा मत पकाना आप इसे। फिर आप इसको ठंडा कर लेना, फिर हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। तो इसमें बहुत ही अलग सी, मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, कि इससे ये हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो गाइस, तवा आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। और उत्पम बनाने के लिए अभी हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल, जो कि हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, फैला देंगे ब्रश से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कलछी और अब हम इस पे लगाएंगे जो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट कर रखी हैं, प्याज। अभी हम यहाँ पे डालेंगे, और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर रखा है अभी,
क्योंकि मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाजर, हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप पिज्जा बना रहे हो। और टमाटर और हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना आप, जितना आपका मन हो डालने का। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, जिससे थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आए। और हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद हम इसे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम इसे पलटे तो वेजिटेबल्स इसी के साथ लगी रहे, उतरे ना। अभी हम इसको ढकेंगे स्टीम में, और जब ये बिल्कुल आपको ब्राउन ब्राउन दिखने लग जाएगा और ये थोड़ा सा उठने लग जाएगा ना फुला फुला, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बनके रेडी हो गया। फिर हम उसको दूसरी साइड पलट देंगे। तो गाइस, एक तरीका मैंने आपको बता दिया, जो कि ये तरीका है। फर्स्ट तरीका मेरा पहला ये है। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ इसके बनने के बाद। मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल के अलग कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए हमें पहले इसमें थोड़े से प्याज डालने हैं और कैप्सिकम डालनी है, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च और हरा धनिया। अभी मैं इसमें डाल दूँ थोड़ी सी राई और चिली फ्लेक्स। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक ऑलरेडी पहले डला हुआ है इसमें। अभी हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये देखते हैं। यहाँ सारी वेजेस ये देखो ब्राउन हो चुका है, ये पक चुका है, कच्चा नहीं है ये बिल्कुल भी। और यहाँ से हमारी अभी वेजिटेबल रोस्ट हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ पे एक मिनट के लिए ढक देते हैं स्टीम में। जब तक ये स्टीम में रेडी हो रहा है, तब तक हम बनाते हैं अपनी चटनी। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी बिल्कुल, मसाला इसका बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी हम मिक्सी में चटनी को ग्राइंड कर देंगे, प्याज टमाटर वाले को। तो देखते हैं हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। गाइस, यहाँ पे हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। अभी हम लगाएंगे चटनी को तड़का, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि तड़का किस चीज का लगाना है हमें। चटनी को तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल। तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए, ताकि राई का और कड़ी पत्ते का टेस्ट आए। जब मैं इसमें राई डालूंगी तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, तो आप भी अपनी गैस बंद कर देना। फिर हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। तो गाइस, अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद, क्योंकि अब मैं डाल रही हूँ इसमें कड़ी पत्ता। ये कड़े पत्ते का ना टेस्ट आ जाता है अच्छा सा। और ये तो डरती रहती है इतना। अब हम इसे डाल देंगे चटनी में। ये हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। और आप चटनी इसका कोई भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी आपको। नारियल की चटनी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, और हरा धनिया, पुदीना, ये वाली चटनी बहुत टेस्टी लगेगी, और ये वाली चटनी भी बहुत टेस्टी लगेगी। दही वाली जो चटनी बनती है वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना नए तरीके की चटनी रेडी करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो चटनी हमारी बनके रेडी है। अब हम देखते हैं हमारा उत्पम।
की बारी है। तो गाइस उत्पम हमारा बनके रेडी हो गया और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी हम इसको खाएंगे चटनी के साथ, और वैसे भी मैंने आपको दूसरे तरीके का भी सिखाना है, तो पहले हम उसको रेडी करते हैं फिर हम खाएंगे। दूसरा तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, जो कि मैंने यहाँ पे वेजीज वगैरह मैंने इसमें कट करके रख दी थी और हमने इसको साइड में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लगा लीजिए घी, गैस को आप रखिए तेज। हम एक कड़छी भरिए और डाल दीजिए। ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके से कह रही थी गंजन खाने को, मोटा मोटा। अच्छा हाँ, ये वाला था वो बिल्कुल, वो हैवी हैवी बनता है, बिल्कुल वेजिटेबल्स होती है इसमें सारी की सारी मिक्स, और बहुत टेस्टी लगता है ये भी। अभी हम इसको भी रख देंगे स्टीम में, पक जाएगा ये, तब तक हम उसे एंजॉय करते हैं सोच रही हूँ। अभी हम इसे खा के देखेंगे चटनी के साथ। ये देखिए गाइस, अभी हम इसको पलट देंगे। अभी हम इसको भी एक मिनट के लिए दूसरी साइड से भी स्टीम में रख देंगे, और आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाओ, किसी भी टाइम खा सकते हैं आप इसे। बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वेजीज है और कुछ भी नहीं है। हल्का सा ऑयल लगाना पड़ता है तवे पे, वो भी एक बार के लिए, ये नहीं कि बिल्कुल चारों तरफ आप बार बार इसमें घी लगाते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमारा बनके हो गया है रेडी। देखते हैं अभी हम इसे, थोड़ा सा भी रहता है, थोड़ी सी कसर है इसमें, वापिस उल्टा कर दो। अब हमारा ये बनके रेडी हो गया। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तनु रोन से खेलना बंद कर। हाँ तनु रोन से खेल रही है और रोन अभी बुला रहा था, इसको घुरा रहा था। खुश हो रहा है बाहर जाने के लिए, उसको लगेगा अभी हम इसे बाहर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं मैं आपसे कल, बाय बाय, गुड नाइट।